अलमाटी बांध का पानी 2 लाख क्यूसेक बढ़ा। लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 123 टीएमसी की अधिकतम जल भंडारण क्षमता के मुकाबले वर्तमान में बांधों का जलस्तर 117 टीएमसी पर बनाए रखा गया है। कर्नाटक में डेंगू बुखार की वृद्धि देखी गई। सिर्फ 8 महीनों में डेंगू के 4,405 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1,154 बेंगलुरु से हैं। युवा मुख्य रूप से संक्रमित हैं। इसके बढ़ने का कारण मानसून और मच्छरों का प्रजनन बताया जा रहा है। कर्नाटक के कोप्पल जिले के हुलिहैदर गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था। मुहर्रम के एक कार्यक्रम के दौरान लड़का लड़की से मिलने गया, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी हो गई। जल्द ही दोनों समुदायों के अन्य लोग उनके साथ जुड़ गए। कुछ देर तक चली बहस के बाद आपस में मारपीट हो गई। येदियुरप्पा ने सीएम बोम्मई की जगह लेने की अटकलों को किया खारिज। पूर्व भाजपा विधायक बी सुरेश गौड़ा की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर येदियुरप्पा ने कहा, यहां तक कि अगर किसी ने इस संबंध में कुछ भी कहा है तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है। हुबली, कर्नाटक के व्यक्ति ने जीती बम्पर लॉटरी, उसके दोस्त का अपहरण। हुबली पुलिस ने 6 अगस्त को रिपोर्ट किए गए एक इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण के मामले का पर्दाफाश किया है। आरोपी ने छात्र का अपहरण कर लिया था और उसकी रिहाई के लिए बड़ी फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने 7 अपहरणकर्ताओं को पकड़कर छात्र को मुक्त करा लिया है। प्रवीण नेटारू हत्याकांड में 3 और गिरफ्तार। पीएफआई से संबंध की जांच करेगी पुलिस। पुलिस ने कहा कि तीनों ने 26 जुलाई को प्रवीण पर हमला किया था और अपराध के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने लोगों से कोविड-19 बूस्टर खुराक लेने का आग्रह किया। मंकीपॉक्स के खिलाफ सभी सावधानियां बरती। सुधाकर ने कहा कि TAC ने डेंगू, मलेरिया और H1N1 जैसी वेक्टर जनित बीमारियों पर भी चर्चा की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को समाप्त किया। लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए शक्तियां प्रदान की। कर्नाटक HC अधिवक्ता चिदानंद उर्स, एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलोर और समाज परिवर्तन समुदाय द्वारा ACB के गठन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था। राकेश टिकट इंक हमले के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 450 पन्नों की चार्जशीट दायर की। पुलिस ने अदालत को मुख्य आरोपी भरत शेट्टी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्रदान की, जिसने प्रसिद्ध होने के इरादे से टिकट पर काली स्याही फेंकने की बात स्वीकार की।